दोस्तों, हर चीज मुद्दा नहीं होती, हर बात पे शक करना, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी ढूंढना, ये निराशावादी लोगों का काम है। चाणक्य ने कहा था, चाणक्य ने, कि जो शक के आधार पर राजनीति करता है वो देश का दुश्मन है। शास्त्री जी हमारे पूजनीय हैं, शक नहीं, हम उनकी मौत के हर पहलू पर चिंतन करेंगे। हमारी सरकार पारदर्शी है, अब देश को समृद्धि की राह पर जाने से रोकने वालों को जबरदस्त जवाब मिलेगा। दोस्तों, लड़ाई जारी रहेगी, अंधकार खत्म हुआ, अब सवेरा होगा, अब सवेरा होगा, अब सवेरा होगा। मिस्टर मिनिस्टर, वेयर इज द कमिटी? व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रोबिंग शास्त्री'स डेथ? एक आर्टिकल तक ठीक था, कैंपेन क्यों बना रही हो? मुद्दा तुम उठाओगी न्यूज़पेपर पे, मुझ पे, तुम पे 500 डेफेमेशन केस फाइल होंगे और हमारी जिंदगी कट जाएगी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में, और मुद्दा हाईजैक कर लेंगे पॉलिटिशियंस। व्हाट्स द पॉइंट? हाँ अग्नि, सोच लो, जब भी जर्नलिस्ट सच की लड़ाई के लिए निकलते हैं ना, या तो वो रेलवे लाइन पे मरे हुए पाए जाते हैं, या किसी जगह जाके गुमनाम हो जाते हैं, समझी? मैंने सोच लिया। सो तुम्हें कुछ नहीं पता, यू नो नथिंग। कब होगा सवेरा, कब आएगी रोशनी? 10 कारण जिनके लिए सरकार को जांच समिति बनानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के सभी यूनिट को बोल दो कि जम के प्रतिबात करे कि हमें कमिटी चाहिए। जी बड़े भैया। अरे हाँ जी, व्हाट्सएप वाले को बोलो कि खूब मैसेज करे, ठीक है, फोटो छापे, जोक डाले। वो लोग हमसे 10,000 मांग रहे थे, दिया कि वो दे दिया बड़े भैया। हाँ, बच्चे बच्चे की जबान पे बात आ जानी चाहिए, देश की जनता के दिमाग में शक डालो। शक? शक? तुम टीवी में खबर देखते है कि नहीं? देखता है बड़े भैया। तो उनको सच या झूठ से क्या लेना देना, शक डालता है ना। अभी श्याम सुंदर त्रिपाठी मांस खाता है, हमने कभी मांस खाया है? नहीं बड़े भैया। लेकिन शक तो डाला है ना जी। अभी तो हम दाल भी दिखा दिखा के खाते है। देखो, ऐसा शक पैदा करो कि लगे सरकार हमसे कुछ छिपा रही है, गिल्टी है, एकदम फ्रंट फुट पे रख के खेलो। मारा जी बड़े भैया। एक सेल्फी लो। जी बड़े भैया। और ट्विटर पे डालो प्रतिक्रिया के साथ। जी। रेडी? रेडी भैया। फाइल की मांग करो। जी। फाइल वो दे नहीं सकते और कमिटी वो बना नहीं सकते।
एक बार बैकफुट में आ गए ना तो उन्हें तोड़ा जा सकता है। बैकफुट पॉलिटिक्स माने हार।